इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और हर राज्य में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ मतभेद जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि टीएमसी के साथ सभी मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। इस बीच आपकी ओर से इंडिया गठबंधन को बड़ी राहत के संकेत दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जरूर टकराव चल रहा है। ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि बिना ममता के वो इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। तो दूसरी तरफ एक दिन पहले ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कहा था कि आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन मान के बयान को आपने उनका निजी बयान बता दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पंजाब में अभी गठबंधन को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आप सांसद संदीप पाठक ने ही सीएम मान के बयान को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कमेटी ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की पंजाब इकाई शुरुआत से ही कहती रही है कि वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इसी तरह के बयान पंजाब की कांग्रेस इकाई भी कह रही है। लेकिन हमें गठबंधन की उम्मीद है, लेकिन अंतिम फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी सीट शेयरिंग कमेटी को लेना है। आपने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो पंजाब में भी सीट शेयरिंग के लिए तैयार है, फैसला कांग्रेस को करना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।